और इधर हम लोग मुकाबला देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रहूँ कनकपुरिया और एक ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी मैं नहाने जा रहा हूं चुड़गू नदी। ये हमारे गांव से कम 800 मीटर दूर है चुड़गू नदी। ठंडे के दिन है दोस्तों, मैं कुआं में नहीं नहाता हूं क्योंकि कुआं में ज़्यादा ठंड लगता है। हमारे यहाँ तालाब नहीं है, तालाब है तो बहुत दूर है, 1.5 किलोमीटर। हमारे घर से कम 800 मीटर नदी है। तो चलते हैं दोस्तों नदी की तरफ। हम लोग का गांव में परास का पेड़ बहुत ही ज़्यादा है, चारों तरफ परास का पेड़ है और झाड़ी है, परास का झाड़ी है। आज दोस्तों सुबह से ही बहुत ही अच्छा धूप खिला है। देखो बहुत ही अच्छा धूप है, देखो चारों तरफ ऐसा है, चारों तरफ का नज़ारा। और टेम्परेचर भी ज़्यादा है सुबह से ही, ठंड भी कम है, पूरा धूप खिला है। देखो कैसा, ये परास का जंगल है और भरभरी लुटुस का झाड़ी है। ये जंगल पार होने के बाद ही गुड़गु नदी मिलेगा आगे। चारों तरफ देखो परास का जंगल है। हम लोग के इधर परास का पेड़ ही ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। पुरुलिया में बहुत ही ज़्यादा परास का पेड़ मिलेगा, ऐसा है। जंगल में भैंसा बांधा हुआ है, देखो इधर। हम लोग गांव देहात में जंगल में ही भैंसे को बांधते हैं। ये देखो भैंसा, देखिए छोटा छोटा पक्षी है। तो दोस्तों नदी पहुंच चुका हूं, ये देखिए नदी में थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। मई जून में ये नदी पूरा सूख जाता है, बारिश का समय इस नदी में पानी बहता है। छोटा सा नदी है, आप लोग नदी कहते हैं, ये स्ट्रीम है। और इधर देखो सरसों का खेती है। तो नदी में पहुंच चुका हूं दोस्तों, ये देखिए, ये देखो मेरा पीछे नदी। थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, बारिश का समय ज़्यादा नदी में पानी बहता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पानी बहता है। और ये रहा नदी, ये यहाँ पे मैं अभी नहाऊंगा। आज आप लोगों का सब्जी का खेती दिखाऊंगा, हम लोग गांव देहात का लोग कैसा सब्जी का खेती करते। ये देखो लौकी का खेती है, इधर भी लौकी है। बहुत ही कम खेती करते हैं हम लोग इधर सब्जियाँ खेती, सिर्फ साल में एक ही बार धान का खेती होता है। और इधर मटर का खेती हम लोग दिखाऊंगा आगे। ये देखो मटर का खेती, ऐसा है मटर का खेती। इधर में भी मटर का खेती है। आगे दिखाता हूँ मरीच का खेती। और ये रहा मरीच का खेती, इधर और इधर लौकी का खेती। लौकी की खेती में अभी कोड़ाई हो रहा है। देखिए मेरा चाचा है इधर, हम लोग घर पहले डुड़गू में था। वही इन चाचा लोग डुड़गू में रहते हैं और हम लोग कनकपुर में। तो ये देखिए हम लोग गांव देहात में कैसा खेती होता है सब्जी का। नान हो चुका है, अभी मैं घर जा रहा हूँ। अरे बेटा जब दी अब भतीजा है अभी। आज देखो बाजी लगा दिया। तो दोस्तों अभी घर जा रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो। शाम हो गया है दोस्तों, शाम का लगभग 3:30 बज रहा है आज। शाम को आज भी हम लोग मेला देखने जा रहे हैं। हम लोग का गाँव देहात में रोजाना मेला लगता है, तो आज भी टुसू मेला है। तो ये मेरा भांजी है और ये मेरा भांजा राकेश। तो हम लोग तीनों अभी मेला देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाजी? मेला देखने।
भट्टाड़ ग्राउंड। तो दोस्तों हम लोग तीनों अभी मेला देखने जा रहे हैं, ये बाइक पे राकेश इधर देखो। तो हम लोग अभी तीनों मेला देखने जा रहे हैं, हम लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर मेला पहुंच चुके हैं। एक घर में भैया छोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेले में भी एक काम है। इधर मुर्गा लौट इसी पुश्ती अंचल हाई स्कूल में बचपन में पढ़ाई किए हैं। ये रहा रविन सोमेन और पीछे रहा पुश्ती अंचल हाई स्कूल जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाई किए हैं। पुश्ती अंचल हाई स्कूल को अच्छा से दिखाई देता हूँ। ये पुश्ती स्कूल का बहुत ही बड़ा मैदान और ये सामने रहा पुश्ती हाई स्कूल। पहले चारों तरफ बड़ा बड़ा पेड़ रहता था, पेड़ है अभी भी है लेकिन कम है। यह मेरा पीछे पुश्ती अंचल हाई स्कूल बहुत ही खूबसूरत है देखने में। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय हिंद।